गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी ऑफ मैथ क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड आज हम वर्कशीट नंबर सिक्स करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द HCF. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 4,12. इसमें हमें जो है सबसे पहले कि जो है फैक्टर करने हैं. तो फैक्टर करना बहुत ईजी होता है. जैसे हमें 4 के फैक्टर करने हैं तो सिंपली हम ये देख लेंगे कि 4 जो है किस किस टेबल में आता है और वो लिख देंगे. जैसे 1 के में आता है, लिख दिया कोमा. 2 के में आता है, कोमा, और उसके बाद फिर 4 के में आता है. तो ये हो गए हमारे फैक्टर ऑफ 4. ये हमारे 4 के फैक्टर हो गए. अब 12 के फैक्टर इसी तरह से करेंगे. 12 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 के में आता है, उसके बाद 2, 3, फिर 4, 6, फिर 12. तो इसी तरह से हम इसका कॉमन फैक्टर कर लेंगे. कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो हमारा दोनों में कॉमन आ रहा हो. एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 लिख देंगे. 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख देंगे. और हमारा 4 कॉमन आ रहा है तो 4 लिख देंगे. तो HCF होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इनमें से सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है, तो 4 लिख देंगे हम. और यही हमारा आंसर है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करेंगे 18,24. फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1,2,3,6,9,18. इसी तरह से 24 के फैक्टर कर लेंगे. 24 किस किस टेबल में आता है हमारा? 1 में, 2 में, 3 में, 4, 6, उसके बाद 8, फिर 12 और फिर 24. तो इसके हमारे कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला तो 1 होगा, उसके बाद फिर 2, फिर 3 और फिर 6. तो इसका जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 6. सो स्टूडेंट, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी ये आपको खुद ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द LCM. इनका हमें LCM निकालना है. सिंपली बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 14,12. लिख लेंगे सबसे पहले 14,12. ये 14 और 12 हमारे कौन से टेबल में आता है? 2 के में आता है, तो 2 लिखेंगे. 2 7 जा 14, 7 यहाँ लिखेंगे, कोमा 2 6 जा 12, 6 यहाँ लिखेंगे. फिर 2 से जा रहा है क्योंकि 6 आ रहा है. 7 को ऐसे उतार लेंगे और 2 3 जा 6. फिर हम 3 से चलाएंगे इसे, 7 ऐसे लिख देंगे, 3 1 जा 3. फिर 7 से चलाएंगे, 7 1 जा 7 और 1 ऐसे लिख देंगे. तो इसके जो है हमारे इसे हम फैक्टर क्या हो गए? 2×2×3×7 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 84 आ जाएगा. तो यही हमारा आंसर है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करना है. सी देख लीजिए, सी का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम हमारा 2 से ही जाएगा क्योंकि 12 और 18 आ रहा है जो कि हमारे 2 के पारे में आता है. 2 6 जा 12, 15 ऐसे उतार देंगे, 2 9 जा 18. फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 15 को ऐसे उतार देंगे और 9 को भी ऐसे ही उतार देंगे. अभी हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. फिर 3 से जाएगा, 1 को ऐसे लिख देंगे, फिर 5 को भी ऐसे लिख देंगे और 3 1 जा 3. अब ये 5 से जाएगा, 1 ऐसे उतार देंगे, 5 1 जा 5 और फिर 1 ऐसे उतार देंगे. तो हमारे जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2×2×3×3×5 यहाँ लिख देंगे इसे, और इक्वल टू हमारा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आ जाएगा. इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बी और डी ये आपको खुद ही करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर. इसमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं. सो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 4th में भी समझाए थे, आपको आते भी होंगे, और अगर नहीं आते तो एक बार और समझ लो इस तरह के क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है 16. ये देखेंगे कौन से टेबल में आता है. 2 के टेबल में आता है, 2 यहाँ लिखेंगे, और कितनी बार आता है वो यहाँ लिखेंगे हम. तो 8 बार आता है, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया. अब 8 2 से चला जाएगा हमारा, हाँ चला जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और कितनी बार जाएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, 4 बार. अब ये फिर 2 से जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो वो 2 हम यहाँ लिखेंगे. अब इन सबकी ये हमारे जो है प्राइम फैक्टर आ गए, 2×2×2×2. तो ये हमारा आंसर है.
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करना है, सी करना है, डी भी सेम टू सेम इसी की तरह ही है। इसके फैक्टर करेंगे, टू की टेबल से जाएगा ये, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यहाँ फोर मान लेंगे और वन इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 28 जा 16, 128 आ गया। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, इधर 2 मान लेंगे और 1 इधर पहुंचा देंगे राइट साइड, तो ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, दोबारा से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हमारे इसके आ गए प्राइम फैक्टर, तो इनकी इनटू करके यहाँ लिख देंगे। सो स्टूडेंट, आज आपको होमवर्क से ये सम्स अपनी कॉपी में करने हैं, एंड दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड द लास्ट थिंग इज स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।